नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैं क्या बताने वाला हूँ, वैसे तो यहाँ पे आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया है, बट फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट वे में फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। वो होता क्या है समझो, यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल बता देता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो सपोज़ यहाँ पे मैं कुछ भी स्टोरी डालता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ, यहाँ पे ये जेन डॉट मयूर वन है, इसी मैं प्रोफाइल ओपन कर देता हूँ यहाँ से, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जो भी स्टोरी डालूँ वो यहाँ पे जेन डॉट मयूर वन तो शो हो। तो अगर ऐसा आप तो यहाँ पे स्टोरी हाइड करना है तो आज इस वीडियो में आप बने रहिए, यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ। और ये जो भी मैं स्टेप बता रहा हूँ वो आप एज इट इज़ फॉलो कीजिए। बहुत सारे यूज़र ऐसे भी है जो यहाँ पे स्टेप फॉलो नहीं करते हैं, फिर मुझे बोलते हैं भाई तूने ये वीडियो सही नहीं बनाया ये वो। और हाँ, वीडियो पूरा देख लीजिए, मैं जो स्टेप बताने वाला हूँ आप वही स्टेप पर वीडियो छोड़ते चले जाते हो तो भी यहाँ पे आपका प्रॉब्लम ये एज इट इज़ रहने वाला है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। और हाँ, आपके पास जो भी डिवाइस है वो भी आप है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये मैं कमेंट करने क्यों बोल रहा हूँ ये आधे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो जो भी आपके पास डिवाइस है, जैसे MI में Redmi Note 4 है, Realme है, Realme 2 Pro है, Vivo है, Samsung है, Oppo है, तो जो भी डिवाइस है आपके पास नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं अभी फटाफट समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको चले जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर इसलिए जाना है बिकॉज यहाँ पे ये जो इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन है वो अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपडेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज जो भी मुझे फीचर चाहिए वो अभी मुझे मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं इसे अपडेट नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए, अगर आपको सपोज ये फीचर नहीं मिलता है तो आप एक बार अपडेट भी ज़रूर कर दीजिए। तो हम यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन कर रहे थे, इंस्टाग्राम ओपन होने के बाद में हम यहाँ पे होम पेज चले जाएंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टोरी डाल देते हैं, तो यहाँ पे मैंने स्टोरी डाल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टोरी टैब पर आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, नॉर्मली कुछ भी फ़ोटो ले लेता हूँ। बट यहाँ पे फ़ोटो लेने से पहले आपको वो सेटिंग करना पड़ता है जो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे फिर यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आपको सेटिंग में, जैसे ही यहाँ पे आप ऊपर सेटिंग में आ जाओ तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आता है स्टोरी। यहाँ पे फीचर आपके फ़ोन में ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था अपडेट कर लीजिए। तो जैसे आप अपडेट करते हो तो जैसे मेरे एज इट इज़ इंटरफेस रहता है आपके भी फ़ोन में वैसे ही एज इट इज़ इंटरफेस रहेगा। तो यहाँ पे आप अपडेट कर दीजिए, फिर यहाँ पे जो पहला वाला है स्टोरी इस पर चली जाना है। इस पर आप जैसे ही आ जाओ तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आता है हाइड स्टोरी फ्रॉम। अभी ये हाइड स्टोरी फ्रॉम है क्या, तो ये यही है जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया, जैसे यहाँ पे जेन डॉट मयूर वन तो मैं अपनी स्टोरी नहीं बताना चाहता हूँ, तो बस इसे वो जो भी बंदे तो आपको हाइड करना है उसका नाम यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे जीरो पीपल है, यहाँ पे मैं टैप करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं टैप करता हूँ, जितने भी आपके फॉलोवर है या फॉलोइंग है वो यहाँ पे सब शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे सपोज मेरी तो आईडी यहाँ पे ही है, अदर समझो आपको तो यहाँ पे अपनी आईडी नहीं मिलती है तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं डाल देता हूँ जेन डॉट मयूर, जो भी यूज़र आईडी है वो यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूज़र आईडी मैंने डाला और यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसे यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर अब भी आप वीडियो छोड़ते चले जाते हो तो फिर मुझे मत बोलना। यहाँ पे अभी आपको बैक नहीं जाना है, यहाँ पे आपको ये एरो वाला बटन पे टैप करना है। फ्रॉम वन पर्सन आ रहा है, अभी यहाँ पे मैं डन पे चले जाऊँगा और वापस डन पे। अभी यहाँ पे मैं कोई भी स्टोरी डालता हूँ, ये मैंने स्टोरी डाल दिया है और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज मैं यहाँ पे चली जाता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा ये डाल देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे योर स्टोरी डाल देता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं अपनी जेन डॉट मयूर वन की आईडी से जाऊँगा और देखूँगा तो ये स्टोरी में, मतलब ये स्टोरी मैं देख ही नहीं पाऊँगा। तो इस तरह यहाँ पे आप हाइड कर सकते हो। एक बार आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर ट्राई दीजिए और मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये फीचर कैसा लगता है। और वापस अनहाइड करना बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आप वापस चली जाइए। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सेटिंग में, स्टोरी पे सेटिंग में, फिर यहाँ पे सेटिंग में और यहाँ पे हाइड स्टोरी फ्रॉम में, इसे बस यहाँ से हटा दीजिए। सपोज़ अगर ये ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप पीछे आ जाइए, यहाँ पे प्रोफाइल में आ जाइए अपने नीचे, फिर यहाँ पे थ्री लाइन्स पे, यहाँ पे सेटिंग में, सेटिंग में यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट है, अकाउंट में यहाँ पे आपको चली जाना है। मैं ढूंढ लेता हूँ पहले ऑप्शन मेरा, या तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो या तो यहाँ पे आप प्राइवेसी में जाते, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रही स्टोरी और ये रहा हाइड स्टोरी फ्रॉम। तो इसे मैं यहाँ से अनटिक कर देता हूँ और ये वापस
0% आ जाएगा जीरो पे पर। तो इस तरह यहाँ पे आप अनहाइड हाइड कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।